वेल डियर स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एक्चुअल हमारा टास्क था, इस ऑब्जेक्टिव था इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का या इस टॉपिक को स्टडी करने का, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। वो वहाँ पर हम आ चुके और वो ये है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है जी, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मीन्स के जीरो के ऊपर इसके इनकी वैल्यूज गिवन है, इनिशियल वैल्यूज फंक्शंस की और इसके क्या है जी डेरिवेटिव की। तो देखिए जी, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन डैट वाई सेकेंड डेरिवेटिव माइनस वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है जी, इसका आप लैपलेस अप्लाई कर दें, माइनस वाई इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ टी। बोथ साइड्स पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लें। तो देखें जी, लैपलेस आपको पता है कि वो लीनियर होता है, तो इट मीन्स के इंडिविजुअल टर्म का भी आप लैपलेस अप्लाई कर देंगे। और लैपलेस ऑफ टी एन, देखें जी क्या होता है फार्मूला, लैपलेस ऑफ टी एन व्हेन एवर एन इज इंटीजर, आपने स्टडी किया था, एन फैक्टोरियल ओवर एस ऑफ रेज टू पावर एन प्लस वन। यहाँ पे पावर वन है, तो इट मीन्स कि इसका लैपलेस क्या आ जाएगा जी, वन ओवर एस आ जाएगा, सॉरी वन ओवर पावर वन है तो इधर एन प्लस वन मीन के वन ओवर एस स्क्वेयर आ जाएगा, और ऊपर वन का फैक्टोरियल दैट इज वन। ठीक है जी, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है जी, सेकेंड डेरिवेटिव का लैपलेस हमने स्टडी किया था, क्या होता है जी, एस स्क्वेयर लैपलेस ऑफ एक्चुअल फंक्शन माइनस एस ऑफ इनिशियल कंडीशन एस माइनस वाई और फंक्शन एट जीरो वैल्यू माइनस वाई जीरो। ठीक है जी, और ये फर्स्ट के लिए आ गया, और इसके लिए क्या होगा जी, ये हमने रिक्वायर्ड होगा, ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे, तो वन ओवर एस के, तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, इनकी वैल्यूज गिवन है वन वन, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो आप देखें अब ये सारा अल्जेब्रिक ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव यूज नहीं होंगे, कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रही, जस्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्म उनके फार्मूले हैं, आप अप्लाई करेंगे तो यू हैव डन। ठीक है जी, तो एस स्क्वेयर माइनस वन आ जाएगा और लैपलेस ऑफ वाई माइनस एस इंटू वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा जी इज इक्वल टू वन ओवर एस स्क्वेयर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, सिंपलाइज डेट के एस स्क्वेयर माइनस वन प्लस ऑफ आई इंटू, हाँ जी क्या आ जाएगा, वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन प्लस एस, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। और ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप क्या देख सकते हैं कि इसको फर्दर इसको इधर शिफ्ट कर दे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे जी कि लैपलेस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू, फर्स्ट पहले आप ये टर्म ले लें एन प्लस एस ओवर क्या आ जाएगा जी, एस स्क्वेयर माइनस वन और प्लस वन ओवर एस स्क्वेयर इंटू एस स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है जी, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें कि लैपलेस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, हाँ जी वन ओवर एस माइनस वन फैक्टराइजेशन से। और सेकंड क्या है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, ऑल्दो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी हमने डिस्कस की हुई है प्रीवियसली भी, हमने वन ओवर एस इंटू एस के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आप देखें जी यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर पहले एस और एस के, सिंपल सी बात है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, एक फ्रैक्शन को उसकी सब फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, क्योंकि वो किन फ्रैक्शन से मिलकर ये आंसर आ रहा है, किन फ्रैक्शन से मिलकर, किन दो फ्रैक्शन से मिलकर ये आंसर आ रहा है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसमें देखें जी, डिनोमिनेटर को देखें, अगर इनके कॉफिशियंट सेम है दोनों के, एस स्क्वेयर और स्क्वेयर के, देन हमारे लिए आसान है एस स्क्वेयर। ओके जी, अब इनमें एस फर्स्ट और सेकेंड में, इनमें से जो लेस है उसको आप चूज कर लें, तो देखें यहाँ पर दो फ्रैक्शन बनेगी, तो एस स्क्वेयर माइनस वन ये लेस है और एस स्क्वेयर वो ले लें। ओके देन आप देखें ठीक है, ये कैंसिल किससे होंगे, एस स्क्वेयर और एस स्क्वेयर डेफिनेटली इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगी, तो इन बिटवीन माइनस आ जाएगा। ओके जी, अब इसको आप देखें कि यहाँ पर आप लिखें, आप ऊपर इन दोनों टर्म्स को आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो
देखिए जी, ये चीज एस केयर माइनस वन और प्लस एस माइनस एस के, ठीक है जी। तो इसको आप देखिए ऊपर क्या आना चाहिए जी। अब यहाँ पर देखिए आप वन और माइनस वन आप लिखते, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप इसको शिफ्ट करें तो एस केयर आएगा, और इसको आप यहाँ पे शिफ्ट करें तो एस केयर माइनस वन आएगा। इनको आप इनके इन बिटवीन क्या है, माइनस है, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करें जो आंसर आएगा उसको आप इधर लिख दें, ठीक है जी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि आ जाएगा जी वन ओवर एस माइनस वन प्लस वन ओवर एस केयर माइनस वन माइनस वन ओवर एस के, ठीक है जी। आपके पास वाई का आंसर ये आया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको वाई की वैल्यू, इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट के वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, वाई फंक्शन जो भी होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए, अब आप इनवर्स लैपलेस लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू, ये लैपलेस राइट साइड पे अप्लाई हो जाएगा इनवर्स की फॉर्म में, तो लैपलेस इनवर्स ऑफ क्या देगा जी, वन ओवर एस माइनस वन प्लस वन ओवर एस केयर माइनस वन माइनस वन ओवर एस केयर। ओके जी, आपको पता है अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म वो लीनियर होता है तो इनवर्स लैपलेस क्या होता है, वो लीनियर होता है। तो मीन्स के ये इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर ये अप्लाई होगा, प्लस लैपलेस ऑफ वन ओवर एस केयर माइनस वन माइनस लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस केयर। ओके जी, अब ये फार्मूले हैं और इनकी लॉजिक है, ये आपको आनी चाहिए। हम इसको जरा एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर फर्स्ट वन है, ठीक है जी। आपको पता है कि लैपलेस ऑफ वन आपने स्टडी किया था जी, वो किसके इक्वल होता है, वन ओवर एस के, ठीक है जी। इसको आप एफ ऑफ एस कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ये हो जी, इफ वन ओवर एस माइनस ए होगा तो ये फिर एफ ऑफ एस माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर आप हम इसका लैपलेस लेंगे इनवर्स के साथ तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है जी। डेट वुड बी इक्वल टू क्या होगा जी, एफ ऑफ टी होगा, और इन टू यहाँ पर जो चीज है वो एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने स्टडी किया था, माइनस ए टी है तो इधर प्लस ए टी आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर ए टी की जगह क्या है इस केस में हमारे पास, अब फर्स्टली देखें जी वहाँ पर क्या है, वन ओवर एस माइनस ए, डेट वुड बी वन ओवर एस माइनस वन, ठीक है जी। तो इसका लैपलेस इनवर्स क्या आना चाहिए, ई माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है जी, यहाँ पर हमने ये है जी आपका एफ ऑफ टी, ये है एफ ऑफ टी, तो वो वन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। तो इट मीन्स के इनवर्स लैपलेस ऑफ एस माइनस वन वो ई ऑफ माइनस टी आएगा, ठीक है जी। सेकेंड है ये, हमने ये तो आसान है, सेकेंड आप देख सकते हैं, बस ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए और आपके माइंड में होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस के अंदर फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ऑल्दो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें जी, हमने ये स्टडी किया था कि लैपलेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी इक्वल टू होता है वन ओवर एस स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इट मीन्स के लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर माइनस वन ये इक्वल टू आ जाएगा जी साइन ऑफ हाइपरबोलिक टी, और वन ओवर एस स्क्वायर, और ये हमने पता था जी लैपलेस ऑफ टी एन ये क्या होता है जी, एन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो इट मीन्स के लैपलेस इनवर्स ऑफ एन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन, यहाँ पर एस रेज पावर एन प्लस वन आएगा, एस रेज पावर एन प्लस वन, डेट वुड बी इक्वल टू टी ऑफ एन। तो यहाँ पर देखें जी आप, इसकी वैल्यू क्या है, टू, और ऊपर क्या है, वन का फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो इट मीन्स के लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर क्या आएगा जी, एन का फैक्टोरियल, मीन्स यहाँ पर वन है तो वन का फैक्टोरियल है, तो वन
और टी, और इधर पावर टू है तो इधर एक पावर कम हो जाएगी, तो मीन्स कि टी की पावर वन आ जाएगी, ठीक है। तो डेट इज इक्वल टू टी, तो ये देख सकते हैं कि आप फाइनली अब आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं कि देयर फॉर वाई ऑफ टी, ठीक है जी। ये अब आपके पास आया वाई ऑफ टी, क्या आ जाएगा जी? फर्स्टली आपने स्टडी किया, इसका आंसर क्या है जी? ई रेस टू पावर माइनस टी प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक टी और माइनस स्क्वेयर क्या है जी? टी। तो ये आंसर है जी आपके पास। ये हमने देखा यहाँ पर कि एक ओडी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सिंपल जो सा है आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं और इसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू कैन सी के जो सा है इनिशियल वैल्यूज, और इनिशियल वैल्यूज जस्ट वो इसके अंदर कवर हो जाती है सब। यहाँ पर ये इस फार्मूले में आपको नजर आ रहा है इनिशियल वैल्यूज इन साइड खुद ही एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। और अनलाइक जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम होती थी, वहां पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्टली क्या करते थे, फर्स्टली जन आप निकालते थे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, फिर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे और देन आप कहते थे कि वाई जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और फिर आप वहां पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज करते थे, कुछ लीनियर इक्वेशंस बनती थी उनको सॉल्व करते थे, तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आती थी, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आती थी, ठीक है। उनको आप दोबारा पुट करते थे तो आपके पास वाई ऑफ टी आता था। मीन्स कि ये सब प्रोसेस आप करते थे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, और फिफ्थ में आप सॉल्व किया, फिर कॉन्स्टेंट्स को आपने इवेल्युएट किया। तो मीन्स कि इतने स्टेप्स में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जस्ट आप डेरिवेटिव के फार्मूले अप्लाई करें, डेरिवेटिव के फार्मूले अप्लाई करेंगे, फार्मूले अप्लाई करके ये अलजेब्रिक स्टेप्स हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये सब अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस हैं, बहुत ऑर्डिनरी सा एलिमेंट्री लेवल का मैथ है। और यहाँ पर जस्ट आपको फार्मूले हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, आप प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है जी। और तो देन यू हैव डन, ठीक है जी। ये आपकी प्रॉब्लम थी, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने एप्लीकेशन इसकी डिस्कस की है। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स को इसमें अप्लाई करेंगे लैपलेस।